हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो यहाँ पे मेरी भाभी बड़ी मस्ती कर रही थी, ये खाना खा रहे हैं और पूजा वगैरह हो चुकी है, उसका अगला दिन है। और ये पड़ी है बर्थडे की डेकोरेशन, जिसके साथ सभी लोग मस्ती कर रहे हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं। ये है मेरे ताऊ जी के बेटे बबलू भैया, और यहाँ पे हैं बुआ, ये है मेरी गुड्डी बुआ, सबसे छोटी वाली बुआ हैं ये। ये ताई जी हैं और ये जो बुआ है इनकी बेटी है अलका दीदी है। सब लोग और यहाँ पे सभी लोग बाहर बैठे हैं, रेडी होके गाड़ी का वेट कर रहे हैं। दुकानें हैं यहाँ पे, दुकानें बनवाई हैं पापा ने, तो वो देखने जा रहे हैं सब लोग। Later that same evening. तो फ्रेंड्स, ये सेम डे है, इवनिंग का टाइम है और अभी हम जा रहे हैं मंदिर। यहाँ पे काफ़ी फेमस हनुमान जी का मंदिर है। बाकी सब लोग भी चले गए थे बट मैं सबके साथ नहीं गई। मुझे लगा कि मैं इस टाइम घर में रुक जाऊँ, बाकी सब लोगों को जाने देती हूँ और घर में रुक के कुछ हेल्प कर दूँ मम्मी की, और मतलब घर समेट रही थी तो मुझे उस टाइम सबके साथ जाना नहीं लगा ठीक। मुझे लगा मैं चली जाऊंगी बाद में, मैं हूँ यहाँ और मुझे हमेशा मौका नहीं मिलता है। कभी कभार घर जाती हूँ तो लगता है कि जितना हो सके मैं अपनी मम्मी का हाथ बटा लूँ। तो हम लोग जा रहे हैं बगीचा, यहाँ का बहुत ज़्यादा मान्यता है, हनुमान जी का मंदिर है। और अभी 22 जनवरी को यहाँ पे जो है, जिस दिन अयोध्या में जो है प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसी दिन यहाँ पे भी राम दरबार जो है उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो मैं तो फर्स्ट टाइम वो वाले दर्शन करूँगी आपके साथ, आप लोगों को भी करवाऊँगी। तो ब्लॉग में बने रहिए, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी ये ब्लॉग में ज़रूर बनाऊँगी। मेरा गुड्डू मुन्नू इधर है, नींद तो नहीं आ रही? आ रही है क्या? ओए नींद आ रही होगी, नींद आ रही होगी, सोना नहीं है, जय जय करने चल रहे हैं। तो ये बगीचा मंदिर का रास्ता है और जो मेन द्वार है वहाँ हम पहुँच चुके हैं। बचपन से मतलब हम बड़े हुए हैं यहाँ आते आते। एग्ज़ाम से पहले आते थे यहाँ पे, एग्ज़ाम के बाद आते थे, यज्ञ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मतलब हमारे यहाँ है कि भाई मंगलवार शनिवार सब आते हैं यहाँ पे। तो बस यही था, यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। बहुत अच्छा लगता है आके, और जहाँ बचपन बीता हो ना वहाँ एक अलग ही वाइब्स होती हैं, सुकून मिलता है। चाहे वो मतलब लड़की दुनिया घूम ले बट जहाँ उसकी यादें हैं अपना, जहाँ वो पली बड़ी है ना, उस जगह से उसे एक अलग ही प्यार होता है। सॉरी। तो ये बहुत मान्यता है इस मंदिर की, बगीचा मंदिर हनुमान जी का मंदिर है। तो चलो हम सब लोग मिलके दर्शन करते हैं। जो हनुमान जी का मंदिर है वो तो काफ़ी प्राचीन है, बट ये जो दिख रहे हैं यह राम दरबार है, जो काफ़ी सालों से बन रहा था और जिसकी जो है पूजन प्राण प्रतिष्ठा उसी दिन हुई है और जिस दिन अयोध्या में हुई है। तो काफ़ी भव्य तरीके से इस मंदिर का उद्घाटन हुआ, पूजन हुआ, सारी चीज़ें हुई। बहुत मन था उस टाइम पे भी, लेकिन नहीं होता है यार, पॉसिबल लाइफ है ना, मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, मजबूरियाँ होती हैं। जब भी मैं चाहूँ कि हाँ मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, नहीं कर पाती हूँ यार, हस्बैंड है, बेटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तभी तो कहते हैं कि बचपन अच्छा होता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि बचपन में आपको कोई वो नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। मम्मी पापा होते हैं, सब लोग होते हैं, है ना, आप बेफिक्र होते हैं, मजे, खेलना, खाना पीना, बस यही तो होता है। बड़े होने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो फिर आपको सारी चीज़ें देखनी है, सब कुछ मैनेज करना है ना। और एक मेरे को लगता है कि लड़की की लाइफ ना
सबसे लास्ट होती है वो अपनी फैमिली में, सबका करने के बाद लास्ट होता है उसका नंबर। अगर कुछ बचा तो उसके हिस्से में आएगा। तो ये हनुमान जी का मंदिर है, ये हमारे बगीचा वाले बाबा बहुत मान्यता है, कोई भी इच्छा हो कुछ भी मांगो यहाँ ज़रूर पूरा होता है। और मेरी भी सारी इच्छाएं यहाँ पूरी हुई हैं और बहुत अच्छा है यहाँ। अगर कभी आप अपनी लाइफ में यहाँ जाओ तो ज़रूर जाना। करेरा जगह है ये, शिवपुरी जिले में पड़ता है, मध्य प्रदेश। तो हम लोगों ने दर्शन किए और मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ ना, और चेरी के साथ जाने में मुझे एक अलग ही खुशी होती है। मुझे क्या, हर माँ को अच्छा लगता है कि जहाँ वो इस एज में आती थी आज अपने बच्चे के साथ आई है। तो बस यही है, जब तक लाइफ है यार अच्छे से जियो, खुश होके जियो, मजे से जियो, है ना। किसी से नाराज़ होके मन मुटाव रख के क्या करना है, सबको मर के चले जाना है। मरने के बाद वो हर इंसान बहुत अच्छा हो जाता है, जब तक जी रहा है तो हर इंसान उससे परेशान है, दुखी है, उसमें 70 बुराइयाँ ढूंढते हैं, वो ऐसा वो वैसा, ये ऐसी वो वैसी। लेकिन जब वो जी रहा है तो जियो ना यार, खुश होके जियो। अगर किसी इंसान में कोई कमी भी है तो उसको इग्नोर कर दो ना, उसकी एक कमी को लेके आप उसकी इतनी अच्छाइयाँ क्यों दबा देते हो। उन अच्छाइयों को देखो, एक आध बुराई भी है तो चलता है यार, हर इंसान का नेचर अलग होता है। लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, है ना। बहुत प्यारा मंदिर है सच में, बहुत प्यारे दर्शन भी हुए क्योंकि आज मंडे है और ये हनुमान जी का मंदिर है, तो यहाँ मंगल और शनिवार को बहुत भीड़ होती है। बट मेरे को आज ही फ्री थी तो मैं आज नहीं, बेचारी ऐसे नहीं करते तो यहाँ से जाते हैं क्या। हाँ यहीं से जाते हैं, चलो चलो। तो हम लोगों ने आज बहुत अच्छे दर्शन किए, पूरा मंदिर खाली, बहुत भीड़ होती है हद से ज़्यादा। और ये है यज्ञ कुंड, आजा चेरी आजा आजा। सोमवार का दिन है इसलिए मंदिर एक तरीके से खाली ही है, कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। मंगल और शनिवार को तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और यहाँ हमेशा सुंदरकांड का पाठ चलता ही रहता है। जैसे ही मंदिर परिसर में एंटर होते हैं तो हमारे बाएं हाथ पे ये दो शिवलिंग हैं, और जब आगे की तरफ जाते हैं तो सामने हनुमान जी हैं और दाएं साइड में राम दरबार है। इसी के बाईं ओर यहाँ पे ये यज्ञशाला है जहाँ पे हवन होता है, और उसके साथ ये सीढ़ियाँ चढ़ के एक और छोटे से हनुमान जी हैं ऊपर। तो जब हम छोटे छोटे होते थे ना तो एक पतली सी सीढ़ी होती थी, तो केयरफुली हम लोग जाते थे कि भाई अगर कोई एक बंदा, भीड़ होती थी हमेशा तो एक बंदा गिरा तो सब गिर जाएंगे, बट अभी काफ़ी ज़्यादा खुला बना दिया है ताकि मतलब कुछ भी ऐसे दुर्घटना ना हो और एकदम खुला खुला सा हो, लोग आ भी पाएँ जा भी पाएँ एक साथ। अदरवाइज़ पहले होता था वेट करना पड़ता था, जो जा रहा है जब आने का नंबर होता था तब सब लोग आते थे और ऊपर भी बहुत कंजेस्टेड था, बट अभी सब खुला हो गया है। बहुत अच्छे से हमने दर्शन कर लिए और बस अब चलते हैं घर की तरफ। भंडारा मिल बहुत पावर है यहाँ, बहुत मान्यता है इस मंदिर की। इवन बागेश्वर धाम की कथा में भी जो है उन्होंने इस मंदिर का वर्णन किया है कि यहाँ हमारे हनुमान जी साक्षात विराजमान है। और बचपन से अब तक हमने बहुत चमत्कार सुने हैं यहाँ के, बहुत ज़्यादा। और कभी और आपके साथ एक दो स्टोरी शेयर करूँगी। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए, आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। और ये है हमारे यहाँ का किला जहाँ मैं जमानों से नहीं गई हूँ, आगे फ्यूचर में अगर जाने का मौका मिला तो ज़रूर जाऊँगी और आपको भी ज़रूर जो है दिखाऊंगी। तो बस पहुंचने वाले हैं, ये हमारे यहाँ की मार्केट एरिया है और काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करी हैं मैंने इस व्लॉग में, आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।